नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एसके पैशन। फ्रेंड्स, आज का नया वीडियो है, ये देखिए, ये दूध है जो अपन लोग चाय के लिए और उनके लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो दूध है ये। और ये देखिए, ये कुकिंग ऑयल है मीठा तेल जो सब्जी वगैरह बनाते हैं अपन मसालन वालन में यूज़ करते वो तेल है ये। फ्रेंड्स, ये और ये दो मिला के झाड़ों के लिए फर्टिलाइज़र बनता जो जिसके अंदर कैल्शियम, जो झाड़ों के लिए कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जैसा ये देख रहे हैं गुलाब के मेरे पत्ते थोड़े थोड़े पीले पड़ रहे हुए, ये देख रहे जो है ना, इसमें जो है ना शायद कैल्शियम की कमी हो रही होंगी, ये देख रहे। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। और धूप भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा खाद वो दे नहीं सकते बाहर की झाड़ों को, तो जो है ना घर के जो इस्तेमाल में चीज़ें आते हैं उसी से मैं हमेशा जो है ना, मेरे पहले के वीडियो में भी जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ वही खाद वगैरह मैं यूज़ करती हूँ बना के। और ये भी फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये भी जो है ना दूध है, ये देख रहे हैं आप, ये दूध है, ये मीठा तेल है, कुकिंग ऑयल, ये दोनों मिक्स करके फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र बनता जो झाड़ों के ऊपर पूरे फ्रूट्स का साइज़ छोटा होता जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती। और पत्ते देखिए, अब मेरे तो झाड़ों में थोड़ा ग्रीनरी आप लोगों को दिख रही होंगी जैसे कि आसमा, मगर अब ये गुलाब में जी ज़रा धूप की वजह से थोड़ा इसमें कैल्शियम की कमी हो रही। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसलिए है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों को मिक्स करके ये एक गिलास दूध में मैं इतना सा कुकिंग ऑयल ले ली मीठा तेल पकाने का, ये दोनों को मिक्स करके ये जो है ना ग्राइंडर में, ये देखिए मैं ग्राइंडर रख लेती हूँ हमेशा के लिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये ग्राइंडर में ये दोनों को मिक्स करके मैं जो है ना, देखिए अच्छे से इसको ऐसा पूरा बार इसको मिक्स कर ली। तो ये देखिए, ये झाग वगैरह देख रहे, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता, और झाड़ों में जो है ना कुछ भी अगर इन्फेक्शन है या कुछ भी अगर है तो वो भी जो है ना ख़त्म हो जाते फ्रेंड्स। ये दोनों को मिक्स करके, इसको और इसको मिक्स करके, ये दोनों को इसके अंदर ये सेम एक गिलास में मैं इतना ही यूज़ करी है, ये आप लोगों को बताने के लिए एक्स्ट्रा लेके ही मैं ये ऑलरेडी मैं मिक्स करके ला ली ऊपर, कभी कभी फ्लोर पे आना रहता तो मैं मिक्स करके बना के ला ली फ्रेंड्स। ये देखिए, अब ये इसमें मैं स्टार्ट फ्रेंड्स, ये देखिए ये खाली बकेट है, ये एक जग पानी ले ली मैं, ये देख रहे आप, दिख रहा वीडियो खाली बकेट है, ये देख रहे ये जो मैं पीसी हूँ वो देखिए, ये देखिए पीसने की वजह से फ्रेंड्स ये इतना गाढ़ा और गाढ़ा हो गया है। ऑलरेडी ये गाढ़ा दूध है जैसे कि आसमा डब्बे में का जो सो मैं मेरे बच्चे के लिए जो यूज़ करती हूँ वो इस गाढ़ा दूध है ये, उसको मैं जो है ना ऑयल डाल के ग्राइंडर में फिरा ली जैसे कि आसमा, एक मिनट के लिए इसको फिराना फ्रेंड्स। तो जो है ना इसके अंदर जो देखिए आप झाग दीजिए आपको किट के अंदर, ये देख रहे हैं ये अच्छे से जो है ना, और ये थिक और गाढ़ा हो गया देखिए। अब ये जो है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा, देखिए आप, फ्रेंड्स ये देख रहे ना फ्रेंड्स। आप लोगों के पास, मेरे पास तो झाड़ा देखिए इतने ही छे जैसे कि आसमा, आप लोगों के पास अगर ज़्यादा है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। मैं तो मेरे पास प्लान उसमें खाली स्प्रे करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। और जैसे कि आसमा स्प्रे करने से जो है ना उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती, फ्रूटिंग का साइज़ भी अच्छा होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता दूध में। और अब इस वक्त तो बाहर की खाद वगैरह जो है आसमा मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ये दोनों को मिक्स करके अच्छा सा कैल्शियम बन के ये जो है ना प्लांट पे मैं स्प्रे कर देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये स्प्रे बॉटल है, आप लोगों के पास बड़े वाला स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें भी डाल के जो है ना स्प्रे कर सकते, मेरे पास फिलहाल ये छोटा वाला है। ये देख रहे फ्रेंड्स आप, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया, देखिए पीसने के बाद ग्राइंडर में जाने के बाद, ये देखिए
ये झाड़ों को, ये देखिए बैंगन का झाड़ है, ये गुलाब का है, ये देखिए ये खरबूजे की बेल है, ये देखिए मैं जो है ना ये पूरा आपको स्प्रे करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना गाढ़ा हो गया, देखिए ये तेल और पानी मिक्स करने से, जो कुकिंग ऑयल है वही है, ये उसको मिक्स करके पानी तेल में पानी में, ये देखिए ये देख रहे पत्ते जो है ना धूप की वजह से बंद हो जा रहे पत्तों में, ये देख रहे हैं पत्तों का देख रहे हाल, इतनी धूप है फ्रेंड्स। परसों जो है ना इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी यहाँ पर, जैसे कहते बर्फ़ के जो है ना ओले भी गिरे थे, बारिश की वजह से जो है ना पानी नहीं डाली। ये देख रहे आप मिट्टी पूरी देखिए ड्राई हो गई, देखिए देखिए पूरे कुंडों में देखिए आप पानी नहीं डाली, क्योंकि बारिश हो रही थी उस वजह से नहीं डाली, तो जो है ना आज की धूप की वजह से जो है ना पूरे पूरे सूख गए। ये देखिए गुलाब का है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले के वीडियो में मेरे आप देखेंगे इसमें जो है ना पूरे भर के जो है ना पूरे पत्ते पत्ते को जो है ना फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन ये परसों की जो बारिश हुई उसकी वजह से जो है ना इसमें की पूरी पूरे फ्लावर्स इसमें के पूरे जो है ना झड़ के नीचे गिर गए। अब ये देखिए मैं फिर से यहाँ पर फिर भी एक दो तीन बज गए इसके अंदर के सपोटे का झड़ है इनके, ये देखिए मैं इसमें भी मार दी आप लोगों को बताने के लिए, नहीं तो जो है ना ऑलरेडी मैं जो है सो थोड़े झाड़ों को मार दी थी, अब आप लोगों को बताने के लिए जो है ना आप लोगों से वीडियो शेयर करने के लिए मैं फिर से जो है ना बना के आप लोगों को शेयर करूँगी। देखिए मटकी भाजी फ्रेंड्स, मैं जो है ना बाहर की चीज़ें हुए ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, घर में जो चीज़ें किचन में जो अवेलेबल है वही चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ उसको। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास, देखिए प्याज लगी ना, देख रहे आप इतनी सारी प्याज की पत्ती है, देखिए इसमें भी प्याज की पत्ती है, ये देखिए ये, यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये खरबूजे की बेल है, इसमें खरबूजा और तरबूजा दोनों की बेल ना ग्रो हो गए इसके अंदर, मैं इसी में जो है ना सही है धागा बन के इसको चढ़ा था, इंशाल्लाह अब ये जैसा बड़ी होती है इसको जो है ना मैं इसके ऊपर से छोड़ देती हूँ। जैसे ये देख रही है ये ऑरेंज का झाड़ है, बाबा मसे तो कांधे चुप जाते हैं आपको, आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि जो है ना बाहर की खाद वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, अब ये लास्ट चल रहा, अब मई में जो है ना बहुत ज़्यादा और तेज़ धूप हो जाती, अभी देखिए अभी दो दिन से लगातार बारिश हो रही थी, देखिए ये फ्रेंड्स मैं ये जो ऑर्गेनिक जो घर के चीज़ें देती हूँ ना आप ये देखिए, ये सीज़न नहीं है सीताफलों का, आप इसके अंदर गौर करिए फ्रेंड्स इसमें कितनी सारी देखिए फ्रूटिंग हो रही, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये ऐसा कहीं को हो रहा मेरे को भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी सीताफलों का सीज़न नहीं है, यहाँ देखिए नीचे भी देखिए आप ये पूरे झाड़ में जो है ना इतने सारे बर्ड्स आए, देखिए पूरे झाड़ में देखिए बर्ड्स है इसमें, देखिए यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर भी ये पूरे सब सीताफल के पूरे झाड़ में देखिए पूरे बर्ड्स है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो इसका सीज़न नहीं है सीताफलों का, मगर फिर भी जो है ना मेरे पास देखिए फ्रूटिंग हो रही। एक और एक आपको मैं झाड़ बताती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये देखिए बारिश की वजह से जो लगातार बारिश हुई ये मेरे बेल का जो है ना टूट के गिर गया, मैं अभी इसको भी ठीक कर दूँ ये पूरे, ये देखिए फ्रेंड्स और एक एक बताती हूँ आपको, ये देखिए बैगनों का साइज़ देखिए आप, क्योंकि मैं जो है ना झाड़ों में दूसरे चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ नहीं डालती हूँ, ये चीज़ें डालती हूँ मैं, इसलिए जो है ना इसका साइज़ देख रहे आप, झाड़ों को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती
और परसों ओले गिरे थे पानी की बारिश की वजह से, बर्फ़ के, तो जो है ना पूरे मेरे झाड़ के, ये देखिए बनाना ट्री को देखिए, ये देख रहे आप, ये बारिश की वजह से ये देखिए पूरा पत्ते पूरे फट गए इसके, देखिए ये पूरे पत्ते फट गए इसके, ये और एक देखिए आपको अनार का बता दूँ मैं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स इसमें देखिए ये फ्रूटिंग भी हो रही, देखिए बडिंग, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, देख रहे मेरे पास ये सब जो है ना ऑर्गेनिक, जो अपन घर के चीज़ें यूज़ करते थे फ्रेंड्स, उसकी उसके चीज़ों का रिजल्ट है ये, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मेरे घर छोटा बच्चा है, आप लोगों ने देखे छूंगे उनको जो है ना, उनकी वजह से मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, घर में जो किचन में चीज़ें जो सामान है किचन के चीज़ों से मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई, आप लोग अभी देखे शायद आप लोगों को तो मालूम ही छूँगा जो है ना, ये देखिए हरी मिर्ची का झाड़ है फ्रेंड्स, अभी मैं आज पानी देने में लेट हो गई तो जो है ना पूरा झाड़ सूख गया, ये देखिए क्योंकि लगातार जो है ना बारिश हो रही थी और उसकी वजह से मैं झाड़ा पूरे गीले होंगे ना बोल के पानी नहीं डाली। आप ये भिंडी का देखिए इसमें, ये एक मिनट बता, ये देखिए फ्रेंड्स कैसी कौली भिंडी लगी, देखिए देख रहे हैं आप, देखिए इसमें अभी देखिए एक दो तीन या फिर फ्लोरिंग या फिर बडिंग, देखिए ये पूरे जो है ना अपन जो यूज़ करते और घर के चीज़ें ऑर्गेनिक उसी का जो है ना रिजल्ट है। इसी में ये एक ही बैरल है फ्रेंड्स, आप ये देखिए एक ही बैरल में भिंडी के मेरे एक दो, यहाँ देखिए आप पीछे भी इसमें भी देखिए भिंडी आप लोगों को दिख रही होंगी, ये देखिए ये भिंडी का यहाँ पर भी ये देखिए भिंडी कितने सारे हैं, देखिए एक ही जगह पे जो है ना छः सात आ गए इसके अंदर, ये एक बड़े वाले, ये दो तीन हैं, ये सब इसका इस रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक चीज़ें जो पलंगा देते ऑर्गेनिक तरीके से जो उसी का रिज़ल्ट है ये, इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को ये बताई कि आप लोग अभी जो है ना ये देख के अपने अपने झाड़ों में भी डाल के पलंगा फ़ायदा उठा सकते फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिए करके जो है ना वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये क्योंकि इनको लेके मैं वीडियो बनाती हूँ, ये देखिए आप जो है ना प्लीज़ लाइक करिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।